अब प्रेजेंटेशन है इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल तो मैंगो के, वो प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब जो है वो उसको प्रेजेंट करेंगे, और ये थर्ड सेशन है, इसको हम चेयर कर रहे हैं जनाब मलक जफर महेश साहब। तो इंशाल्लाह मलक जफर महेश साहब के भी कमेंट्स लेंगे, तो पहले जो है ये डॉक्टर शफकत सईद साहब की प्रेजेंटेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आज हम आम के नुकसानदायक कीड़े और उनका मरबूत तरीका इंसदाद के ऊपर बात करेंगे। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक दो कीड़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जस्ट अ मिनट। जी, तो आम के कीड़ों जो पौधे हैं उसमें पत्तों और फूलों पे हमलावर होने वाले कीड़े होते हैं, तने पर हमला होने वाले कीड़े होते हैं, फल पर हमलावर होने वाले कीड़े और जड़ों पर हमलावर होने वाले कीड़े। इन तमाम चीजों को शायद हम इस मीटिंग में डिस्कस ना कर सके। हम जो है ना ये अब डिस्कशन करेंगे कि पहले ये जंगल कीड़े हैं इस वक्त जो आमों के ऊपर मौजूद होते हैं, जिसमें कुछ स्केल्स हैं, कुछ मिजेस हैं, कुछ बार बीटल्स, हॉपर या बोरर, फ्रूट फ्लाई, तो ये तमाम किस्म के खतरात हमें लाहक हैं। मगर इस वक्त जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उस चीज को हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो अभी आने वाले मराहल हैं उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उनको देखेंगे। मगर उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि भी हमने सिर्फ इंसेक्टिसाइड के ऊपर नहीं रहना, हम उसको मरबूत तरीका इंतजार के ऊपर जाएंगे कि मरबूत क्या है, कि किस तरह हम IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। उन तमाम तरीकों, ये जो जुमला उन तमाम तरीका इंसदाद हैं जिसमें बीमारियों और कीड़ों को बढ़ने से रोकती हैं, वो तमाम तरीके हैं जिसको हम कहते हैं कि मरबूत तरीका इंसदाद है। हर चीज का हमने इस्तेमाल करना है, उसमें कल्चरल कंट्रोल भी है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है, केमिकल कंट्रोल भी है और मैकेनिकल कंट्रोल भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे फार्मर जो है ना अप्लाई करते हैं। एक तो यह है कि दो तीन चीजें जो जिन अवामिल का हमारे फार्मर ने ख्याल रखना है, एक तो यह है कि आम के बाग का माहौलियाती जायजा लेना है कि बाग की कंडीशन कैसे है इस वक्त, कि उसमें उसके इर्द गिर्द के हालात क्या हैं और बाग के अंदर के हालात क्या हैं। आपने विजिट करना है बाग में, उसके बाद आम पर हमला आवर कीड़े और उनकी बीमारियों को नजर में रखना, आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन कौन से कीड़े इस मौसम में हमलावर हो सकते हैं। इस मौसम में तने के ऊपर कौन से कीड़े होंगे, क्योंकि मिलीबग का जिन लोगों के पास हमला होता है वो हर साल उसी पे होता है, तो उनको फिक्रमंद होना होता है कि कौन से एकड़ में मिलीबग का हमला होता है और कौन से में नहीं होता, तो खास तौर पर उनको जाके वो देखते हैं। बीमारी कौन सी आ सकती है, जिस तरह तारिक मलिक साहब ने बताया, उसकी जो है ना पहचान करना जरूरी है, और वो जिन जिन जगहों पे बताया गया है कि पौधे के किस स्टेज पे ऊपर फूल, जैसे तारिक मलिक साहब ने भी और गफार साहब ने भी बताया कि इस वक्त स्प्राउट शुरू हो चुके हैं, मुंह निकल चुके हैं और उस पे बीमारी के असरात कोई हैं तो उसको देखना जरूरी है। अब से फिर कीड़ों और बीमारियों के तदारक के लिए मनसूबाबंदी फिर हमने करनी है कि हमने इंसेक्टिसाइड्स या फंजीसाइड्स कौन कौन सी हो सकती हैं जो हम उसका अरेंज करें, क्योंकि बाद में बाज दफा मसाइल हो जाते हैं, सही आपको इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड मिलती नहीं है जो प्रॉपर इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड होते हैं। उसके बाद फिर अगला मरला आता है उनके तदारक के लिए अमल दरामद। उससे पहले जो एक और बहुत अहम बात है, अपनी स्प्रे मशीनरी की सेटिंग का टाइम आ चुका है और उसमें आपने देखना है कि जो मशीनरी आपने स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल करनी है उसकी आपने नोजल्स देख लेनी है, उसके आपने प्रेशर देख लेना है, पंप शंप जो भी मसाइल होते हैं ना, आखिरी दिनों में जब हमला होता है तो फिर मिस्त्री भी नहीं मिलते और काम करने वाले भी अपने नखरे करते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कीड़ों और बीमारियों का बाकायदा मुआयना करते रहना है, क्योंकि ये अब क्रिटिकल टाइम स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कल्चरल कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, मैकेनिकल कंट्रोल है और केमिकल कंट्रोल है।
कल्चरल कंट्रोल में वो तमाम चीजें आ जाती है, जैसे हल चलाना, मेजबान पौधों का तलफ करना, बीमार शाखों पत्तों और फूलों का तलफ करना। बायोलॉजिकल कंट्रोल में दुश्मन कीड़ों का दोस्त कीड़ों के जरिए कंट्रोल करना। मैकेनिकल कंट्रोल में आता है रोशनी के फंदे, चिपकने वाले फंदे और पौधों की काट छाट। और कीमियाई ये आखिरी हमारा होता है हरबा, जब इन तमाम चीजों से कीड़ों की पॉपुलेशन या बीमारी हमारी कम ना हो रही हो, उस वक्त फिर आपने केमिकल कंट्रोल अडॉप्ट करना है। तो इन तमाम चीजों को आपने जहन में रखना है, सिर्फ इंसेक्टिसाइड को फोकस नहीं करना। इन तमाम चीजों को जहां हल चलाने की जरूरत है वहां पे हल चलाएंगे, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे जीरो टिलेज आप कर रहे हैं तो वहां पे करते रहें। दोस्त कीड़ों में हम आगे जाके बताएंगे कि कौन कौन से दोस्त कीड़े हैं जो आगे स्पेशली जो आपके जो बोरर है उसके लिए हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आज सिर्फ दो इंसेक्ट्स हॉपर और बोरर के ऊपर हम फोकस करेंगे, बाकियों को हम नहीं करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आया किसी का तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। अब जो है जो अहम मसला है, आम की तमाम इकसाम पर हमला के लिए मौजूद होती हैं, उसमें कोई इकसाम का कोई मसला नहीं है। तमाम जितनी भी किस्में हैं उस पर कीड़े इंसेक्ट हमला करते हैं और 20-65% तक नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। आम का तेला है, तेला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले साल भी लोग स्प्रे करते रहे और उसकी दो स्पीशीज पाई जाती है, मगर स्पीशीज से किसी को कंसर्न नहीं है कि कौन सी है, मगर मौजूद है ये दोनों स्पीशीज यहाँ पे और ये हमले जो है ना बाग में करते हैं इस वक्त भी, जिनके बाग में ये स्पीशीज कोई भी स्पीशीज मौजूद हो उसको क्रिटिकली देखना चाहिए, क्योंकि ये सारा साल आपके बाग में ही रहती है और इसको सर्दियों में कंट्रोल करना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको दिसंबर में यूजली जो हमारे मुल्तान के फार्मर हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत विजिलेंट हैं और ये सर्दियों में इसका कंट्रोल करते हैं, नवंबर दिसंबर में जनवरी में वो देखते हैं किस टाइम के ऊपर ये मौजूद है तो उस वक्त जो है ना इसको कंट्रोल किया जाता है। तो साल के मुख्तलिफ औकात में बालिग और बच्चों का पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों पे नजर आते हैं ये, मगर सर्दियों में सिर्फ आपकी बालिग मादा नजर आती है। यही बालिग मादा जब फरवरी आता है तो ये जैसे ही नए शगुफे निकलना शुरू होते हैं तो ये उनके ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, नए पत्तों के ऊपर, नौ शगुफों के ऊपर। तो वहां पर ये अंडे देती है, अंडे देने के बाद उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं जो अगली जनरेशन लेके चलते हैं। जिन लोगों ने पहले स्प्रे कर लिया है दिसंबर में जनवरी में तो वो उनको इतना प्रॉब्लम शायद ना हो, मगर जिन लोगों ने नहीं किया तो वो क्रिटिकली इन चीजों को देखें कि इस वक्त भी अगर तनों के ऊपर या बाग के अंदर पौधों के अंदर वाली साइड के ऊपर अगर कोई इनकी पॉपुलेशन मौजूद है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। इसका नुकसान हर किसी को पता है कि ये लेसदार मादा खारिज करता है और पत्ते का रंग पहले चमकदार धूप में नजर आना शुरू हो जाता है, बाद में जो है ना ये काले रंग के होने पता शुरू हो जाते हैं जिसके ऊपर फंगस डिवेलप होती है और उसका नुकसान ये होता है कि इनका जाय तालीफ का अमल रुक जाता है और साथ साथ आगे जो है ना पैदावार भी उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो ये उसके नुकसान के जो है ना आम के तेले का पत्तों के ऊपर जो हमला होता है उसको आप इस तरह के नुकसान नजर आएंगे और इसी तरह आमों के ऊपर भी नुकसान नजर आएंगे और फल भी नहीं लगेगा, फूल की स्टेज के ऊपर जो है ना इन्फ्लोरेसेंस को भी वो खा जाते हैं सारे। इसमें सबसे अहम काम जो मेरे मैंगो रिसर्च स्टेशन के दोस्त गफार साहब भी हमेशा से इसकी पजीराई करते रहे हैं कि प्रूनिंग करनी चाहिए, रोशनी पौधे के अंदर तक पहुंचे और जमीन तक पहुंचे। अगर ये काम आप लोग करते हैं तो हॉपर का प्रॉब्लम आपके पास कभी नहीं आएगा। अगर आप लोग प्रूनिंग नहीं करते और बाग आपका मिले हुए हैं पौधे एक दूसरे के साथ, नीचे छांव रहती है हर वक्त जमीन के ऊपर, अंदर पौधों में अंधेरा रहता है, तो आम के तेले के लिए ये एक मौसू जगह है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें, अब तो वो वक्त नहीं है, जैसे ही हार्वेस्टिंग के टाइम पौधे जब उस स्टेज पे हों कि फल उतार ले और जब हार्वेस्टिंग करें तो रोशनी का अरेंजमेंट ऐसी कटाई करें कि रोशनी पौधे के अंदर तक आए और वहां पे फिर जो ये तेला है ये नहीं अपनी जिंदगी गुजार सकता।
जो सूखी शाखें होती है उसकी कटाई करने से भी ये जो है ना उनको अंदर जो है ना पनाह गाह भी नहीं मिल सकती, तो सर्दी और गर्मी में ये प्रेफर नहीं करते आमों के अंदर रहना। ज्यादा पानी से इज्तनाब करें, क्योंकि जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी या नाइट्रोजन की खाद का जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, वो पहले भी जिक्र हो चुका है कि उससे आप इनको जो है ना परवरिश ज्यादा मिलती है, तो इसलिए खाद का इस्तेमाल जो है ना कम से कम करें, स्पेशली नाइट्रोजन का। ये दोस्त कीड़े हैं जो आम तौर पर वहां पे नजर आते हैं इन इंसेक्ट्स को खाते हुए, मगर क्योंकि हम अर्ली स्टेज के ऊपर स्प्रे कर देते हैं हॉपर को मैनेज करने के लिए, तो इस वजह से आपको आप लोगों को ज्यादातर लोग बागों में ये नजर नहीं आते, मगर वक्त के साथ साथ फिर ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑफ सीजन मैनेजमेंट जो है ना तनु के ऊपर करनी होती है, वो वक्त गुजर गया, अब सीजनल मैनेजमेंट है। सीजनल मैनेजमेंट आपने उस वक्त करनी है जब अभी आपके फूल खिले ना हो, या मैक्सिमम 30% या 25% to 30% फ्लावर हो, उस वक्त तक कर सकते हैं। उसके बाद इंसेक्टिसाइड जब भी आप स्प्रे करेंगे आपकी फ्लावरिंग को डैमेज करेगी, और उसके साथ साथ जो पोलिनेटर्स होते हैं उनको डैमेज करेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने बी कीपिंग का एक प्रोजेक्ट शुरू किया और जिसमें बहुत सारे हमारे मैंगो ग्रोवर्स हैं जो बी कीपिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और पोलिनेशन मेन मकसद है हमारा। तो बीज जिस दिन आप ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, कम अज कम उस दिन आपके बीज बॉक्स बंद होने चाहिए, उनको खोलना नहीं चाहिए आपको। तो एक शाम के टाइम आप उसको बंद कर दें, अगले दिन स्प्रे करें तो फिर आगे चलाएं उसको, नहीं तो मक्खियां आपकी बहुत नुकसान हो जाता है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे जब कर रही हो तो बीज बाग में नहीं होनी चाहिए, और इसको क्योंकि बहुत कम होता है कि भी हम शाम के टाइम स्प्रे करें, क्योंकि बहुत बड़े बाग हैं तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम हमारे पास थोड़ा होता है। हाँ, वो किसान जिनके पास थोड़ा रकबा है और एक दो दिन में वो स्प्रे कर सकते हैं, तो वो प्रेफर किया करें कि शाम के टाइम सेकेंड टाइम स्प्रे करेंगे तो बीज, क्योंकि दोपहर तक दिन के 10-12-11 बजे तक ज्यादा होती हैं, बाद में कम हो जाती हैं, तो कोशिश करें कि सेकेंड टाइम उसका स्प्रे करें। इंसेक्टिसाइड है, बाइफेंथ्रीन है, लैम्डा है, नाइट्रोपैराम है, इमिडाक्लोप्राइड है, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो हमारा पिछले साल जिसने हमारे बहुत सारे यील्ड लॉस का मुझे बना, वो है आम के पत्ते की सुंडी और आम के फल का गुणवा। असल में ये दो तीन किस्म के हैं, मगर ज्यादातर ये दो जो है ना पेस्ट हैं जो जिन्होंने ज्यादा नुकसान किया, तो इसलिए हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला है वो पत्ते की सुंडी है। ये सुंडी 10-50% तक नुकसान पहुंचा सकती है आम के पौधे के ऊपर। आपको इसकी मुख्तलिफ हालतें नजर आ रही हैं, राइट साइड पे जो आपको ये नजर आ रहा है इसमें देखें, पत्ते के अंदर सुंडी अपने आप को अपने इर्द गिर्द जाला बना लेती है और पत्ते को मोड़ लेती है अंदर ही, या दो पत्तों को इकट्ठा कर लेती है, या एक ही पत्ते को उसकी दो किनारे मोड़ लेती है और अंदर ही उसके ऊपर ये फीड करती रहती है। तो ये न्यू फ्लश जब निकलते हैं तो उस वक्त जो है ना इसका हमला ज्यादातर नजर आता है, और क्योंकि हमारे ये वो स्टेज होती है जब फ्लावरिंग बाज दफा इकट्ठे चल पड़ती है, ओपन हो चुकी होती है, और ये इसका डैमेज भी हो जाता है, और ये इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्लावरिंग डैमेज होने का खतरा होता है। तो इसके ये अडल्ट हैं, ये जो है ना सुंडियां हैं, ये ग्रीन कलर की सुंडियां आमतौर पर नजर आती है, सुर्ख रंग का या ब्राउन कलर का हेड इसका होता है। ये पत्तों के ऊपर उसके जो है ना हमले हैं, उसमें ये नई जो कोंपले हैं उसको भी खा जाते हैं और पत्तों को भी ये डैमेज करते हैं, ये बड़ा बुरे से पत्ते बन जाते हैं और इससे आगे खुराक भी बनना रुक देती है, जिसका नेक्स्ट सीजन पे या अगले आने वाले टाइम पे जब फ्रूट खड़ा होता है तो उस पे खुराक बनने का अमल कम हो जाता है और उसकी फ्रूट ड्रॉपिंग का खतरा होता है। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि ये जो कीड़ा है आमतौर पर शुरू में जनवरी फरवरी में ये जड़ी बूटियों के ऊपर मौजूद होता है, जो बाग के अंदर जड़ी बूटियां जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां होती हैं उनके ऊपर होता है, तो उसलिए जड़ी बूटियों का तदारुक करना बहुत जरूरी होता है,
और पौधों उसमें इस वक्त क्योंकि और बाग की सफाई जो अंदर जो भी है उसका करें, और मेजबान पौधों का स्पेशली जो है ना, मेजबान पौधे उसके यही जड़ी बूटियां हो सकती हैं। अगर बाग के अंदर लीची लगी हुई है तो वो भी उसका मेजबान पौधा है, जामुन लगे हुए तो वो भी है, फालशा है तो वो भी है, तो ये इस तरह के गुआवा के ऊपर भी ये देखा गया है। तो इस तरह के बाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो पौधे जो फ्रूट के प्लांट्स हैं उसको कोशिश की जाए कि अवॉइड की जाए। और एक और चीज जो लास्ट ईयर में हमने देखा और उससे पिछले साल भी, ट्रैकोग्रामा के कार्ड जो है ना, ये एक दोस्त कीड़े के कार्ड है जिसको हम ट्रैकोग्रामा कहते हैं। और पंजाब में तो हमारे एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की 3 लेबोरेटरीज साउथ पंजाब में मौजूद हैं, लहिए में भी है, मुजफ्फरगढ़ में भी है, डीजी खान में भी है। तो ये उनके पास से फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड मिलते हैं। ये एक कार्ड के ऊपर तकरीबन 500 से 1000 मुख्तलिफ रेंज होती है मुख्तलिफ कार्ड बनाने की, मुख्तलिफ जो ऑफिस बनाते हैं उस पे अंडे होते हैं ट्रैकोग्रामा के। ये अंडे जाके जो अंडे इन जो ये सुंडी है ये इसका परवाना है, ये जब अंडे देता है तो ये उन अंडों को जाके पैरास्टाइज कर देते हैं, तो इसकी वजह से इनकी अगली जनरेशन नहीं बढ़ती। तो इसलिए यार ये मौसम भी इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, हम अप्रैल तक या उनकी कुछ हालात में मई तक भी इन कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। और ये जो स्पीशी है नेचुरली इन पे उस वक्त आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, तो 2 कार्ड फी पौधा आप लगाएंगे तो आपका बाग से इस इंसेक्ट्स का इतना ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको बायोलॉजिकली भी मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई सीरियस मसला हो गया है तो फिर आप इंसेक्टिसाइड की तरफ आएंगे, इसमें एमामेक्टिन बेंजोएट है, लिफिनुरॉन है, क्लोर इंट्रानिलिप्रोल जो है ना ये भी एक इंसेक्टिसाइड है, तो इनको भी आप इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप समझ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जब फ्रूट सेट हो जाए तो उसके बाद आप स्प्रे करें। फ्लावरिंग स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम है, उस वक्त तक प्रॉब्लम होता भी नहीं है क्योंकि उस वक्त नीचे होता है, फ्लोर मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, मगर ज्यादा ऊपर फ्लावरिंग फ्रूट सेटिंग के बाद फिर जब कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इसको करते हैं। ये दूसरी सुंडी है क्योंकि ये इसका हमला ज्यादातर लोगों को उस वक्त नजर आया पिछले साल, तो ये इसका लेफ्ट साइड पे परवाना नजर आ रहा है, ये परवाना आमतौर पर कम नजर आता है अगर आपने जो रोशनी के फंदे लगाए हुए हैं तो उसमें इसका परवाना आपको नजर आता है। तो इसकी सुंडी थोड़ा सा रेडिश कलर की होती है और उस पर धारियां होती हैं सुर्ख रंग की, तो ये आम के अंदर आपको नजर आएगा। और ऐसे पौधे जिनके ऊपर गुच्छे ज्यादा होंगे या 2 आम आपस में मिले हुए होंगे तो उनके दरमियान में ये नजर आता है, तो ये डैमेज आपको उसका नजर आ रहा है मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आम आगे की तरफ रैपने की तरफ मूव करता है तो इसका अटैक तेजी से बढ़ता रहता है, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो इसकी जनरेशंस बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो इस के लिए ये जो पौधे जो 2 फल आपस में मिले होंगे, 2 से ज्यादा फल आपस में मिले होंगे तो उसमें इसका डैमेज आपको ज्यादा नजर आएगा, या फल जो नीचे गिरा हुआ होता है वो भी जब ऊपर से डैमेज होता है और डैमेज फ्रूट नीचे गिरता है तो वो वहीं पे डिवेलप होता रहता है, तो उनमें भी आपको इसका डैमेज नजर आएगा। तो इसके असरात के लिए चंद एक चीजें हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि जनवरी से फरवरी में रोशनी के फंदों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें सारा साल लगे रहें तो भी कोई मसला नहीं है, पूरा साल आप इसको रोशनी के फंदे चला सकते हैं, मगर ज्यादातर इन मौसमों में जब जनवरी से लेकर अगस्त तक आप इस रोशनी के फंदे लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम जो है इसका अडल्ट जो है जो परवाने हैं वो इसमें आ जाएंगे, बटूर जो पिछले साल का जो रह जाता है उसमें इनकी जो लार्वे हैं वो हाइबरनेट होते हैं बाजुका और इन्हीं के अंदर रहते हैं और इनसे अगली नस्ल जो है ना इनकी चलती है। तो कोशिश करें कि जो बटूर है उसको जितना जल्दी हो सके अगर तल्फ नहीं करते, कुछ रह जाते हैं तो उनको किसी भी वक्त सर्दियों के मौसम में अगर कोई आ जाता है तो उस वक्त भी आप इसको तलफ करके जला देना जरूरी है, क्योंकि बाग के अंदर पड़े रहेंगे तो भी आपके लिए ये नुकसान है।
फिर बाग के अंदर बाग तो बरसीम लगाते हैं, घास लगाते हैं, उस ये उसका फेवरेट होस्ट है बरसीम के अंदर, इसका मेजबान पौधा है, तो इसको भी कोशिश करें बाग के अंदर या बाग के इर्द गिर्द उसकी मॉनिटरिंग करें। अगर वहां पे आपको कोई सुंडियां नजर आती हैं तो उसको अवॉइड करें। अगर जिन दोस्तों के बागों में ज्यादा प्रॉब्लम है तो इन चीजों को जरूर देखें। और जो गुच्छे आमों के गुच्छे हैं, तो बाहर के मुल्कों में तो ऐसे होता है कि वो छिद्राई कर देते हैं, एक एक आम रखते हैं एक एक टहनी के ऊपर, ताकि वो वजन अपना ले ले, अपना साइज बढ़ा ले। अगर हम ज्यादा आम रखते हैं तो क्वालिटी मैंगो प्रोड्यूस नहीं होते, तो क्वालिटी मैंगो अगर आप चाहते हैं तो उसकी छिद्राई करें, और फिर इस इंसेक्ट का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा फ्रूट बोरर का। और बाग में जो गिरे हुए फल हैं उनकी आपने उठा के तो उसको डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ मतलब उसको या तो जमीन के अंदर दबा दें। आमतौर पर हम जो हमारे लेबर होती है उनको कहा तो ये जाता है, हम तमाम लोग जाके यही कहेंगे कि गिरे हुए फलों को उठा लें, वो उठा के एक जगह पे इकट्ठा करके रख देते हैं, तो उसका फायदा कोई नहीं है। इस तरह फल की मक्खी के भी फ्रूट होते हैं, वो भी उठा के एक जगह पे हम रख देते हैं, तो उसको या तो कुछ गड्ढा बना लें जिसमें पानी हो और वो उसमें डालते जाएं, वो पानी के अंदर गल सड़ जाता है, या खाले के अंदर कच्चा खाला हो उसमें कोई एक जगह गहरी बना दें, उसके अंदर डालते रहें, वो गल सड़ के जो फर्टिलाइजर बन जाएगा वो बाग में फिर चला जाएगा, और ये जो सुंडियां हैं वो भी अंदर सफोकेट होके मर जाएंगी। या जमीन के अंदर दबा दें, वो आमतौर पर हमारे जो लेबर है वो इतनी तगोदौ नहीं करते कि खड्डा खोदें और उसमें फिर डालें और फिर उसको जो है ना पानी में डालना ज़रा आसान लगता है, तो ये इजीली हो जाता है। ये रोशनी के फंदे हैं, ये मेजर तारिक साहब के फार्म पे भी लगे हुए हैं, कुछ और दोस्त ने भी लगाए हैं, और इसका बड़ा अच्छा मैनेजमेंट हो रही है। और साथ ही ये जो गुच्छे हैं इसको भी अवॉइड करें, वीड्स को भी अवॉइड करें, और जो बटूर है उसको भी अवॉइड करें, कोशिश करें कि आपके बाग के अंदर ना हो, तो इंशाल्लाह अगले साल इसी आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं बनेगा। फिर ट्रैकोग्रामा के कार्ड हैं, ये पत्तों के नीचे लगाने होते हैं, धूप वाली साइड पर ना लगाएं क्योंकि गर्मी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो मरने का चांसेस होता है, तो बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो ये उस वक्त लगाएं जब आपका स्प्रे प्रोग्राम पूरा हो जाए, तो उस वक्त लगाएं, क्योंकि हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को आगे चाह रहे हैं कि ये आगे हमारे चलें, और हम बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड की तरफ भी आ रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज पे काम कर रही है। नेक्स्ट ईयर आपको कोई प्रोडक्ट भी मैंगो ग्रोवर्स को हम देंगे जो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स और डिजीज को मैनेज करने के लिए जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स हैं, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स हैं, वो आप लोग यूज कर सकेंगे। ये वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने पहले इस्तेमाल किए हैं, तो जो पहली दो तीन इंसेक्टिसाइड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, क्लोरोपाइरीफास क्योंकि इसके रेजिड्यू आने का खतरा होता है, तो इसलिए इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये फिर हमने एक कैलेंडर बनाया, तो मंथली आपने इसकी एक्टिविटी जो देखनी है कैलेंडर की, वो हमारे पास अवेलेबल है, हम तमाम दोस्तों को भी भेज देंगे सॉफ्ट कापीज की। उसमें वही है कि जनवरी फरवरी में बटूर की तलफी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बरसीम की काश्त अवॉइड करें ना करें, अमरूद लीची फालसा जामुन इनको गौर से देखें कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करें, या आगे आने वाले दिनों में इसको जो है ना कोशिश करें कि ये यहाँ पे ना लगाए बागों के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रैकोग्रामा के दो कार्ड फी पौधा लगाएं और रोशनी के फंदों की तंसीब करें। मार्च से मई तक फिर वही है कि पेस्ट स्काउटिंग वही है, जड़ी बूटियों की तलफी जरूरी है, उसके बाद बहुत गर्मी हो जाती है, फिर ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मई के दौरान फलों के गुच्छों की छुदराई और रोशनी के फंदों का इस्तेमाल। इसी तरह जो कार्ड हैं वो हर 15 दिन के बाद आप ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड एक दफा कार्ड नहीं लगाना, इसको हर 15 दिन के बाद आपने ये कार्ड ऐड करने हैं, उसमें रिप्लेस तो नहीं होते, इसमें से निकल जाते हैं, अडल्ट एडिशन होती है। और बाकी जो इंसेक्टिसाइड्स का है, क्योंकि आखिरी वही रह जाता है, जब कार्ड से आपको पता चल जाता है या रोशनी के फंदों से या कार्ड से आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही, तो फिर आप इंसेक्टिसाइड की तरफ आएंगे। और गिरे हुए फलों को आपने जून से आनवर्ड जो है ना, फिर वही है कि फलों में इसका अटैक नजर आना शुरू हो जाता है, और
फल की तुड़ाई के बाद शाख तराशी आप करेंगे और उसमें कोशिश करें कि जो अल्टरनेट होस्ट हैं उसको और जड़ी बूटियों को तलफ करें और प्यूपे, क्योंकि बात इसमें यह होता है कि आम तौर पर प्यूपे इनके अंदर रह जाते हैं जो फलों के अंदर और जो पत्ते हैं उसके अंदर, तो नीचे फल का जो है ना वो ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जमीन के अंदर एक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है। तो ये वही चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ आपको बताते रहना है, और यहाँ तक जो एक्टिविटी फूड बोर्ड की है ये मैंने बता दिया है। इसमें अगर आपका कोई सवाल हो जो दोस्त पूछना चाह रहे हैं तो उसको मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक दोस्त पूछ रहे हैं भी ये छिद्राई जो है कितने साइज का मैंगो हो जाए तो करनी है स्टोन स्टेज पे सिनरी में। हाँ जी, स्टोन स्टेज हम कहते हैं उसको, जब जो है ना पौधा फल जो है इतना हो कि अंडे की साइज कितना, अपना डॉक्टर साहब आप बता सकें स्टोन स्टेज का कितना होता है साइज। छिद्राई हमने अगर करनी है इसकी सिनरी की, इसके बॉर्डर के लिए, तो उसका साइज क्या होना चाहिए, किस साइज पे? जब भी हमने फ्रूट थिनिंग में जाना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि थिनिंग के बाद फ्रूट गिरने ना पाए। तो जब इनिशियल फ्रूट ड्रॉप मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद जो मोटे आम हैं और एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं उनको रख के बाकी जो है वो तोड़े जा सकते हैं, लेकिन ये भी एक हेक्टिक और मुश्किल काम है। ये बाजार थ्योरेटिकल सा काम ही लगता है हमारे ट्री साइज में, तो ये मुमकिन तो नहीं लगता। बहरहाल ये ट्रू स्टेज है कि एग साइज से थोड़ा छोटा मैंगो हो तो इसकी थिनिंग कर लें, ये टाइम इसका यही है। अब ये हो सकती है नहीं हो सकती, मुमकिन है नहीं है, ये अलग बात है। और ये फ्रूट बैग जो है पूछ रहे हैं ये कितने यूजफुल है इससे कंट्रोल कर लिया, बर्ड्स का डैमेज होगा ना? फ्रूट बैग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप लगा सकते हैं तो फिर किसी भी ना बोरर का अटैक, ना फ्रूट फ्लाई का अटैक, ना बर्ड्स का अटैक, किसी का अटैक नहीं होगा फ्रूट बैग के साथ। अच्छा, ये मोहम्मद अहमद साहब ये पूछ रहे हैं क्या ये कार्ड जो ट्राइकोग्रामा कार्ड हैं ये मार्च से स्टार्ट करें फरवरी से मई में एंड करें? फरवरी से जी, फरवरी में स्टार्ट करें और मई में एंड करें। हाँ जी, क्योंकि ये जो है ना ये आगे गर्मियां आ जाती हैं तो गर्मियों में इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, टेम्परेचर जब 40 से अबव चला जाता है, तो इसलिए हमने पहले शुरू के महीनों में और फिर आगे अगस्त सितंबर में आप इसको जो है ना जुलाई अगस्त में आप आगे लगाना शुरू कर सकते हैं इसको। अब्बासी फ्रूट ऑर्चिड से सवाल है, वी हैव वेरी फ्यू थ्रिप्स शूट बोरर इश्यूज इन सेंड, शुड वी ऐड पॉलीट्रिन सी विद फंगिसाइड? हाँ, पॉलीट्रिन सी इनिशियल लेवल पे अगर आप करना चाहते हैं तो वो तो आप कर सकते हैं, मगर यह है कि उससे फिर बेनिफिशियल फाना बहुत डैमेज होता है, पोलिटिन सी साइपरमेथ्रीन है उसके अंदर, तो वो डैमेज बहुत ज्यादा करती है।